अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किससे मिलना है आपने? बट साहब से। अपॉइंटमेंट लिया आपने? जी जी, वो ऑडिशन के लिए बुलाया मुझे। अच्छा, आपका नाम? शानी। जी शान। बैठे आप। सर, कोई जीशान साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे, बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ली हुई है उन्होंने। जी बेहतर। आपको कहा आप बैठ जाइए प्लीज। सर ऑनलाइन मीटिंग में बिजी हैं अपनी रिलीज होने वाली फिल्म के सिलसिले में, अभी आपको बुला लेते हैं प्लीज। फिल्म की मीटिंग चल रही है। वैसे वो फिल्म कब रिलीज है? अभी तो प्रमोशन स्टार्ट हो गई है उसकी, उसके अलावा दो फिल्में फ्लोर पर हैं और एक की कास्टिंग हो रही है। ओ, इसकी कास्टिंग हो रही है ना, मुझे उसके लिए बुलाया। वैसे शूट कब से शुरू है? बस लोकेशंस फाइनल है, म्यूजिक पर भी काम हो चुका है, बस कास्टिंग में देर हो रही है। जी सर। ओके सर, जाइए आप, अंदर बुला रहे हैं सर आप। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं मट्टी को हाथ लगाता हूं सोना हो जाती है। कास्टिंग में चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लूंगा। हाँ, मुझे पता है इस फिल्म के बाद मुझे 4 नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। लेकिन मैं जल्दबाजी में ये काम तो खराब नहीं कर सकता ना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, तुम शाम को ऑफिस में आओ, फिर बैठ के बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शानी बैठ। अब तुम्हारे खड़े होकर सलाम करने के दिन गए, अब तो दुनिया तुम्हें खड़े होकर सलूट करेगी। आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी तो तस्वीरें वीडियो देखते ही मैंने कह दिया था यही है वो टैलेंट जिसकी मुझे इतने अरसे से तलाश थी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तो मेरा हौसला ही बढ़ गया सर। बस अब अल्लाह करे ऑडिशन पास हो जाए। ऑडिशन? कैसा ऑडिशन? शानी तो मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट हो, तो फिर ऑडिशन की जरूरत नहीं है। तुम परफॉर्मर अच्छे हो, शक्ल सूरत में भी तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, फिर ऑडिशन लेने की क्या जरूरत है? मतलब मैं सिलेक्ट हो गया सर? बस कल तुम फीस जमा कराओ और एक दो दिन में मैं तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार करवा देता हूँ।